जिसके पास कुछ नहीं है वो कहता है कि मैं क्या खाऊं, जिसके पास सब कुछ है वो कहता है कि मैं क्या क्या खाऊं। कोई तो अपने लिए सोना खरीदता है लेकिन किसी को सोने के लिए जगह भी नहीं है। गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। कोई अपने जीवन का सुख पाने के लिए भगवान को रिश्वत देता है, चढ़ावे चढ़ाता है, पूजा पाठ करता है, पर कम माया लगाता है, बड़े बड़े काम करता है लेकिन प्रेम नहीं करता, दया नहीं करता, माफ नहीं करता और किसी के लिए अपना हाथ नहीं खोलता, बल्कि घमंड करता है। जो होता है उसका कभी शुक्रिया अदा नहीं करता, बल्कि 99 को 100 करने के लिए उसको पूरी तरीके से खोज में लगा रहता है कि मैं 99 को 100 कैसे करूं, लेकिन जो 99 उसके पास होता है उसका धन्यवाद नहीं करता। आज इंसान दिवालिया बनाता है, अच्छे अच्छे नए नए कपड़े पहनता है और बम पटाखे खरीदता है, घी के दिए जलाता है, कोई तेल के दिए जलाता है, घर को पूरा चमका देता है, लेकिन मन के अंदर अंधकार रहता है, अपना घर परिवार टूटा रहता है। साल में एक बार इंसान त्यौहार मनाता है लेकिन रोज रोना पीटना, दांतों का पीसना रहता है। कभी किसी का कर्जा देना है, कभी किसी को कोई समस्या, कोई बीमारी, कोई परेशानी है, दुख है, तकलीफ है, कर्जा है या गरीबी है या उधार है या किसी के पास काम नहीं है या कोई ऐसी परिस्थितियां सिचुएशंस होती है, लेकिन फिर भी इंसान धार्मिक कार्य करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। उधार ले लेकर इंसान धार्मिक कार्य करने की कोशिश करता है। धार्मिक कार्य क्या? ये पूजा पाठ, उतार चढ़ाव करना, और इस दिन इंसान बहुत कहते हैं कि जादू टोना टोटका बहुत ज़्यादा करता है इंसान। जादू टोना क्या होता है? अपने ऊपर की दुष्ट आत्मा को किसी दूसरे के व्यक्ति के ऊपर डाल देना, या चौराहे पर लड्डू, ये बताशे, पता नहीं क्या क्या बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि मैं पहले करा, क्योंकि ये चीज़ें हमारे परिवार में हुआ करती थी, और जब से हमने मसीह का नाम जाना, परमेश्वर ने हमें इन चीज़ों से आज़ाद कर दिया। लिखा है कि याकूब के घराने पर कोई झाड़फूँक, कोई तंत्र मंत्र विद्या कार्य नहीं कर सकती। हमारे ऊपर कोई झाड़फूँक, कोई तंत्र मंत्र विद्या कार्य नहीं कर सकती। आपने कोई गवाही सुनी होगी परमेश्वर के अभिषिक्त पर, किसी ने जादू टोना करने की कोशिश करी लेकिन उसने अपनी मौत को बुला लिया। परमेश्वर के लोगों को कुछ नहीं हुआ, परमेश्वर के बच्चे को कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसकी खुद की जान चली गई जो जादू टोना कर रहा था। लेकिन आज अंधकार में इंसान नहीं जानता है, कोई किसी का किसी पर करता है, कोई किसी का किसी पर करता है। इंसान अपने आप को बचाने के लिए अपना उतारा चौड़ाई पर रखकर आता है, फिर वो किसी और के ऊपर जाता है, फिर वो किसी और के ऊपर जाता है। किसी के घर में कलेश, लड़ाई दंगा, कर्जा, गरीबी, कोई बीमारियां, अपनी बीमारी कोई किसी पे, कोई किसी की बीमारी किसी पे, बस यही होता है। लेकिन इससे किसी को छुटकारा नहीं होता है। लेकिन फिर भी इंसान कभी ये नहीं सोचता है, अरे यार मैं दुख से निकल जाऊंगा, तकलीफ से निकल जाऊंगा, इस दुष्ट आत्मा से निकल जाऊंगा, इस परेशानी बीमारी से निकल जाऊंगा, लेकिन सामने वाले पे तो आ जाएगी, सामने वाला जो इस पर पैर रखेगा, जो इसके आसपास से निकलेगा। इंसान क्या करता है इस दिन? इंसान बम पटाखे जलाता है, हर एक प्रकार की खुशी दिखाने की कोशिश करता है, अच्छे नए कपड़े पहनता है, लेकिन मन का पहनावा कैसा है? इंसान बम पटाखे जलाता है और रोशनी चमकाता है, दिए जलाता है, कोई धूपबत्ती जलाता है, इतने सारे चमकाट रोशनियां होती हैं, अपने घरों को सजाता है, लेकिन किसी की आत्मा सजी नहीं रहती। मैं किसी पे दोष नहीं लगा रहा, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, क्योंकि मैं इस चीज से जूझ चुका हूँ। 4 साल पहले मैं बहुत किया करता था, मैं कई महीने पहले ही बम पटाखे जोड़ना शुरू कर दिया करता था, और बहुत इस दिन के लिए और कई सारे ऐसे त्यौहार थे, मैं उनके लिए इंतजार करता था कि वो त्यौहार कब आएं। और हर त्यौहार पर मेरे घर पर मेरे पापा ड्रिंक कर आते थे और लड़ाइयाँ होती थी, और वही वाली परेशानियाँ फिर हमेशा उत्पन्न होती थी, और हमेशा हमारे पुराने वाले त्यौहार याद आते थे, देखो पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, इस बार भी ऐसा ही हुआ। लोगों में देखते थे, अरे त्यौहार के दिन तो उसका बाप लड़ रहा है, त्यौहार के दिन भी इसका बाप लड़ रहा है, त्यौहार के दिन भी इसका बाप पीकर आया है, त्यौहार के दिन भी हमारे घर में लड़ाइयाँ, त्योहार के दिन भी आंखों में आंसू होते थे, त्योहार के दिन भी मेरी माँ सर पटकती थी, रोती थी, परेशान रहती थी। एक तरफ पूजा पाठ कर रहा है, दूसरी तरफ घर में लड़ाई दंगा कलेश हो रहा है। इतना कहना चाहूंगा कि जिसके साथ बीतती है सिर्फ वो ही जानता है, दूसरे तो सिर्फ हाथ सेकते हैं। कहते हैं ना, जब एक सामने फल लटका हुआ है, 4 लोग उसके बारे में कह देंगे कि कच्चा है, 4 लोग कहेंगे खट्टा है, 4 कहेंगे कड़वा है, 4 कहेंगे मीठा है। मतलब कोई ना कोई कुछ के बारे में कुछ ना कुछ कहेगा, लेकिन उस फल का टेस्ट उसी को पता चलेगा जो उसको चखेगा, और जो चख लेता है उसका जीवन बदल जाता है, वो आनंद उठाता है उस फल का, वो जान पाता है कि सच में कितना प्यारा फल है, कितना अच्छा फल है। इसी तरीके से कहते हैं ना कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, लोगों का काम है कहना। आपने देखा होगा हर प्रकार के लोग, कई कौमों के लोग दिवालिया बनाते हैं। एक बार सोच कर देखो, एक क्वेश्चन है, इसको अपने आप से पूछना। जैसे आपने किसी एक डॉक्टर से दवाई ली है, आपने किसी डॉक्टर से दवाई ली, दवाई लेने के बाद उसकी दवाई आपको नहीं लग रही है, तो क्या फिर भी आप उससे दवाई लोगे? दूसरे डॉक्टर के पास तो जाओगे ना, डेफिनेटली दूसरे डॉक्टर के पास जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको चंगा होना है, शांति चाहिए और आपको छुटकारा चाहिए। इसी तरीके से मैं कहने का मतलब मेरा ये है कि जब मैं पूजा पाठ करता था, एक तरफ तो जाता ही था, तो दूसरी तरफ क्यों गया? क्यों दूसरी तरफ इसलिए गया कि मेरे को एक जगह शांति नहीं मिली। लेकिन इस बात की गहराई को कोई इंसान जान नहीं पाया। जब ये खुदा ने हमें सिखाया तो हम जान पाए कि हमारे चुनाव क्या है, जो हमारे पास है क्या उसके अंदर वो सामर्थ्य है कि जो हम मांगते हैं वो हमें दे।
इस बात को समझना खुदा को ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। आज कई कौमों के लोग, मैं किसी पे दोष नहीं लगा रहा, किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन इस बात को समझना जरूरी है। जब कोई एक हिंदू व्यक्ति जब गुरुद्वारे में जाता है, जब कोई नहीं कहता धर्म बदल गया, लेकिन वो गुरुद्वारे में क्यों जा रहा है? उसके देवी देवता कम है क्या? एक बात बोलना चाह रहा हूँ, ये मेरा खुद का प्रश्न है, इस बात का आंसर नोबडी कैन गिव दैट, इसके बारे में कोई आंसर नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि मेरा खुद का अनुभव है, इसका आंसर मेरे पास भी नहीं था, लेकिन जब यीशु के पास आया तो मुझे पता चला, सच्चाई पता चली। और इसके अलावा जब कोई हिंदू व्यक्ति, जब कोई परेशान लाचार व्यक्ति मुसलमानों के वहाँ जाता, जब कोई नहीं कहता धर्म बदल गया, जब कोई सिख व्यक्ति मंदिर में जाता है साईं बाबा की पूजा करता, जब कोई नहीं कहता कि वो मुसलमान बन गया या उसका धर्म बदल गया, जब कोई भी कौम का व्यक्ति यीशु मसीह के पास आता है, यीशु के भवन में आता, जब कोई क्यों कहता है कि धर्म बदल जाएगा? ये मनुष्य की सोच है, विचार है। कहते ना, जब इंसान परेशान होता है मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे पीर फकीर सब जगह जाता है। मैंने भी सब कुछ ट्राई कर लिया था, मैं हर शनिवार और मंगलवार को चोला चढ़ाता था, प्रसाद चढ़ाता था, लेकिन मेरे जीवन में आंसू थे, मेरी माँ सर पटकती थी, रोती थी, मेरे पास काम नहीं था, मेरे पास कुछ भी नहीं था, कर्जा था हमारे ऊपर, बहुत सारी परेशानी थी, मेरे पापा दारू पीते थे और मेरे मम्मी पापा को परेशानियां थी, बीमारियां थी, दुष्ट आत्माओं का चक्कर था। मैं जानता हूं मैंने कैसे कैसे दुख देखे और मेरी माँ ने कैसे कैसे दुख देखे, बहुत सारी परेशानियों को देखा है मैं अपने जीवन में, लेकिन खुदा ने उन परेशानियों से मैं आजाद किया। कहते ना, एक बीज को बोया जाता है तो फलवंत होने में समय लगता है, हम जुड़े रहे, ये नहीं कि एक बार में पलक झपकते के साथ ही आम आ गया, बीज बोते के साथ ही, हम जुड़े रहे वचन में, प्रभु के साथ जुड़ने के बाद हमने सीखा, समझा, उनके अनुसार चलने की कोशिश करी, हम गिरते हैं लेकिन खुदा में संभालता है हमें। इस बात की हम ये नहीं कहते कि हाँ भाई यीशु मसीह के पास आने के बाद हमारा सारे दुख एक बार में खत्म हो गए। दुख तो होते हैं इंसान को, दुख हमें आज भी है, लेकिन प्रभु हमें उन दुख पर ना जय पाने का अनुग्रह देता है, वो हमारे दुख हमें दुख लगते ही नहीं है, पता नहीं कब खत्म हो जाते हैं हमारे दुख, पता भी नहीं चलता है हमारे दुख कैसे कब आते थे कब खत्म हो जाते थे। लेकिन आज अगर कोई एक मसीह व्यक्ति है ना, अगर कोई मसीह व्यक्ति अगर 40 साल की उम्र में 50 साल की उम्र में बीमार पड़ जाता है, तो वो ये नहीं कहेगा कि मेरी उम्र इतनी हो गई, बीमार तो पड़ना ही है। ये सिर्फ कोई वही कह सकता जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि उसको प्रकाशन नहीं है, उसको ज्ञान नहीं है, उसको उसको प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं पता है। जो यीशु मसीह के बारे में नहीं जानता, वो तो यही सोचेगा, अरे इतनी उम्र में तो बीमारी लगती है, दुख दर्द पीड़ाएं तो होती हैं, अब बीमारी है, खाट पर पड़ना है, फिर उसके बाद सो जाना है, मर जाना है, खत्म हो जाना है, यही है। लेकिन मसीह व्यक्ति, एक मसीह व्यक्ति जानता है, लिखा है तुम बूढ़े होकर भी लहलाते रहोगे, रस भरे रहोगे, तुम्हारे रसकुंडों से नया दाक मधु मरता रहेगा, हमारी हड्डियां मजबूत रहेंगी, हमारे हड्डियों से कभी ग्रीस खत्म नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपनी सामर्थ्य, हमारी निर्बलता में परमेश्वर की सामर्थ्य सिद्ध होती है। लिखा है हम दौड़ेंगे पर श्रमित नहीं होंगे, चलेंगे और थकित नहीं होंगे, हम कभी श्रमित नहीं होंगे, कभी हम थकेंगे नहीं, खुदा हमारा बल है, हमारा बल हमारा परमेश्वर है। अब बात आती है ये उजियाले की, इंसान दीप जलाता है, मोमबत्तियां जलाता है, अगरबत्तियां जलाता है, लिखा है वचन में कि यहोवा को धूप से घृणा आती है। इंसान ये सब कुछ करता है, लेकिन मन के अंदर ईर्ष्या, बैर भाव, झूठ, लोभ, विरोध, फूट, विधर्म, लालच, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और भी बहुत सारे ऐसे पाप, गुनाह, अपराध होते हैं। आज के दिन, ये दीपावली के दिन और कई सारे ऐसे त्यौहार हैं, जिन त्यौहारों के समय, जिन त्यौहारों के आने से पहले ही, एक दो दिन पहले ही, कुछ दिन पहले ही, जुहा सट्टा और शराब और चोरी और भी ऐसे कई गंदे कामों की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। इस बात को सोच कर देखना आप, कभी आपने शायद इस बात का अनुभव नहीं लिया, लेकिन आप समझोगे, सुनोगे तो आप जान पाओगे कि सत्य क्या है, अंधकार क्या है। इंसान एक तरफ झूठ बोल रहा, चुगली निंदा कर रहा है, उसी से पैसा कमाकर और उसी से दिया धूपबत्ती जला रहा है, क्या फायदा उस चीज का? इंसान कहता है झूठ बोले बगैर बिजनेस नहीं चलते, क्या खुदा नहीं देगा? ईमानदारी वाला जीवन चाहता है। लिखा है कि पेड़ पे बैठे पक्षियों को वो खिला देता है, तो क्या हमें नहीं खिलाएगा? हम तो उनसे भी ज्यादा मूल्य रखते हैं, खुदा ने हमें अपने हाथों से बनाया है, उसने हमें अपने रूप और स्वरूप में बनाया है। जब उसने हमें मुंह दिया है ना, उसने हमें पेट दिया है, तो भूखा रहने के लिए नहीं दिया, मुंह दिया है तो खाने के लिए भी देगा। इंसान ज्योति चमकाता है और लेकिन अपने अंदर आत्मा में एक ज्योति को उजागर करने की कोशिश नहीं करता है। एक तरफ बम पटाखे चल रहे, दूसरी तरफ ईर्ष्या है और लोभ है, झूठ बोलना और अपने भाई बहन से बैर रखना, माता पिता से बैर रखना, बुराई करना। कोई इंसान अपने अंदर की बुराइयों को जलाता नहीं है, बुराइयों को भस्म नहीं करता है, लालच को भस्म नहीं करता है, झूठ बोलने को भस्म नहीं करता है, लोभ और मदिरा ढिटाई को भस्म नहीं करता है। सिर्फ इंसान एक छोटे से कागज को या बम को जलाकर दिखा देता है कि हाँ भाई मैं दिवाली बना रहा हूँ, लेकिन घर मन के अंदर है ना आग लगी रहती है कि मेरा जीवन में वो शांति क्यों नहीं है, मेरे जीवन में वो सुख क्यों नहीं है, वो दीनता, नम्रता, वो प्रेम, वो आनंद क्यों नहीं है जो दूसरों के पास है। इंसान अपना घर भरता है, लेकिन दूसरे अनाथ और विधवाओं की, या जो फुटपाथों पे, या चौड़ों
या चौराहों पर या सड़कों पर बाड़ों पर हैं, उनकी कोई मदद सहायता नहीं करता, उनके घरों में कोई दिए नहीं जलाता। एक बार अपने आप से पूछना, जब कभी भी आप रोटी खाते हो या कभी भी आप दुकान से कुछ भी खरीदते हो, क्या कभी आप उसके लिए प्रार्थना करते हो कि खुदा, प्रभु यीशु पिता, तेरा धन्यवाद, हे भगवान, तेरा शुक्रिया कि तूने मुझे रोटी का बड़ा मकान दिया, या तूने एक टॉफी भी दी मुझे, या तूने एक चिप्स का पैकेट दिया, या तूने मुझे बिस्किट दिया, तूने मुझे भोजन दिया। कभी हम धन्यवाद नहीं करते। लेकिन उससे पूछो जिसके पास नहीं है। कभी हमने उसके लिए प्रार्थना नहीं करी, प्रभु तूने मुझे दिया, तेरा धन्यवाद, लेकिन जिसके पास नहीं है तो उसको भी देना। कभी हम किसी के लिए प्रार्थना नहीं करते, क्यों? क्योंकि हम स्वार्थी हैं, अपना घर भरते हैं हम। कभी किसी के घर में, कभी किसी के अंधकार में दिया जलाने की कोशिश नहीं करते। गरीब और गरीब होता जा रहा है, हम गरीब का भी पैसा छीन लेते हैं, गरीब को मूर्ख बना देते हैं, एक रिक्शे वाले को तरसा देते हैं। इंसान मिठाइयाँ बांटता है और अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है, लेकिन इंसान का पहनावा जो है ना, आत्मिक पहनावा फटे और चीथड़े हैं। वचन में लिखा है कि तू अपने आप को धनी कहता है, लेकिन तू मेरी नजर में कंगाल है, तुच्छ है, अभागा है और नंगा है। इंसान आज उजियाला तो बांटता है, लेकिन सच्चा उजियाला उनके खुद के जीवन में नहीं है। आज खुद अंधकार में है, उनको नहीं पता है कि वो किसको फॉलो करते हैं, उनको नहीं पता है कि वो किस रास्ते पर चल रहे हैं, उनको नहीं पता है कि वो क्या कर रहे हैं। जैसा यीशु ने कहा था कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, इन्होंने तेरे बेटे को तो क्रूस पर चढ़ा दिया, लेकिन इनको नहीं मालूम है ये क्या कर रहे हैं, इनको माफ कर दे। इंसान आज भी कर्जों में, दिक्कत में, परेशानी में, किसी का किसी को देना है और बीमारियों में है। क्या फायदा उस उजियाले का? जिसके पास यीशु नहीं है ना, वो सच में कंगाल है। और जिसके पास यीशु है ना, वचन में लिखा है कि जिसने यीशु पर विश्वास किया, यीशु ने कभी उसको कंगाल रहने नहीं दिया, बल्कि बहुतेरी जाति को उधार देने वाला बनाया। मैं एक बात कहना चाहूंगा, देखो साफ बोलना सुखी रहना, ये मेरे खुद का अनुभव है। कोई है जैसे कि एज एन एग्जाम्पल कि कोई, जैसे मैं और मेरी वाइफ जब भी कहीं जा रहे थे तो किसी कोई मिला कि इस भगवान के नाम पर दे दे, इस भगवान के नाम पर दे दे, तेरा भला होगा। बस मन में एक बात आई, जब मैं इनकी पूजा पाठ करता था, जब तो मेरा भला हुआ है नहीं। भाई जिस नाम से तुम मांग रहे हो, जिस नाम से तुम हमें बोल रहे हो कि तुम्हारा भला करे, एक बार अपने आप से पूछो कि इसने तुम्हारा भला किया? मैं दोष नहीं लगा रहा, अगर तुम्हारा भला किया होता तो आज तुम यहाँ नहीं होते। लेकिन यीशु के नाम को पहचानो, यीशु के नाम को जानो, वो आपके जीवन को बदलेगा, बहुतों को देने वाला बनाएगा, आप फुटपाथों पे नहीं रहोगे। इंसान जिस ईश्वर को फॉलो करता है, उस ईश्वर के बारे में कभी जानने की कोशिश नहीं करता, और अगर जानता भी है तो उसका जीवन कितना बदला है। अगर सच में उन ईश्वरों में ताकत है तो अपने लोगों को बदलते क्यों नहीं है, उनको उठकर बचाते क्यों नहीं है? क्यों आज मंदिरों के बाहर इतने लाचार, बीमार, दुख में, परेशानी में, गरीबी में, दुख में, समस्याओं में पड़े हैं? किसी के हाथ पैरों में चोटें लगी हुई थी, किसी के हाथ पैर सूजे हुए थे, किसी ना कुछ प्रॉब्लम्स थी। क्योंकि मैं जा चुका हूँ, मैं रह चुका हूँ, मैं इन चीज़ों का अनुभव ले चुका हूँ, मैं जानता हूँ इन बातों को। मेरे बाप ने, मेरे परमेश्वर ने मुझे कहाँ से उठाया, इस बात को मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं इन बातों को महसूस कर सकता हूँ। सिर्फ आप समझ सकते हो, शायद आप मुश्किल ही समझ पाओ, क्योंकि ये मेरे साथ, मैं इन चीज़ों का अनुभव खुदा ने मुझे दिया है, मुझे समझाया है, मुझे सिखाया है, मुझे दिखाया है। एक और बात है, इस बात को सोचना कि जिसकी जो इंसान मूर्तियों को अपने हाथों से बनाता है, अगर ये मूर्तियाँ इंसान को अमीर कर देती तो सबसे ज़्यादा धनवान वो कुम्हार होता जिसने उसको अपने हाथों से बनाया है। और आपको मालूम होगा, एक ऐसा भी टाइम आता है जिसमें इन मूर्तियों की पूजा करने के बाद इनको पानी में बहा देते हैं, सिर्फ इस्तेमाल करके फेंक देना। इंसान कितना स्वार्थी हो चुका है, अपनी ज़रूरत की चीज़ को इंसान निकाल कर फेंक देता है। और जो इंसान इनको अपने सीने से लगाकर रखता भी, कि तो क्या उसको सच्ची शांति है? क्या उसको बीमारियों से आज़ादी है? एक बार किसी भी ऐसे अपने दोस्त से पूछना, जिस किसी को भी आप जानते हो जो कोई भी इन चीज़ों को मनाता है, इन चीज़ त्योहारों में फेलोशिप होता है, इन त्योहारों में जुड़ता है, या जो इन त्योहारों को मनाता है, एक बार उनसे पूछना कि सच में तेरे जीवन में शांति है, क्या वो आनंद है, क्या वो प्रेम है, या कुछ पल भर का है? क्या तेरे जीवन में कोई ऐसी परेशानी तो नहीं, कोई समस्या तो नहीं जिसको तू करना चाहता है या जो नहीं हो पा रहा है? या क्या कोई ऐसा दुख तो नहीं है तेरे तेरे घर परिवार में, तेरे मम्मी पापा के जीवन में, तेरे बच्चों के जीवन में, या तेरे भाई बहन के जीवन, या तेरे खुद के जीवन में, जो तेरा दुख नहीं निकल पा रहा बहुत लंबे समय से? 100% की गारंटी से कह सकता हूं, कुछ ना कुछ ऐसी बातें जरूर होगी जो वो आपको खुद बताएगा। अगर नहीं भी बताएगा तो वो खुद अपने आप से छुपाएगा, वो खुद आपसे छुपाएगा। अगर उसने आपको बता दिया तो वो बात अलग है, आप सच जान पाओगे। अगर उसने नहीं भी बताया ना, तो एक बात कहना चाहता हूँ, क्या सच है क्या झूठ, इस बात को आप जान सकते हो, समझ सकते हो उस व्यक्ति के बर्ताव से, उसके रहन सहन से, उसके रोजमर्रा के जीवन से, उसका बर्ताव घर के अंदर कैसा है, उसके घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। अगर वो आपको शेयर करना चाहे तो ही आप जान पाओगे, अगर वो नहीं करना चाह रहा तो फिर भी, अगर उसके घर जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो खुलकर बताएगा।
अगर वो कुछ ऐसी समस्या है, शायद वो आपसे शेयर नहीं कर सकता, तो कुछ बातें वो कह सकता है कि हाँ कुछ है मैं से वो शेयर नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी आप समझ सकते हो इस बात को। अगर आप जानना चाहोगे तो उसको आप समझ सकते हो, अगर नहीं भी जानना चाहोगे तो आपने बहुत बार अपने जीवन में भी देखा होगा आपके पास को याद करना या कोई ऐसे व्यक्ति को याद करना या जो आपके घर के आस पड़ोस में अगल बगल ऊपर नीचे कहीं भी रहता है, सोचना उनका जीवन कैसा है। पैसा है, रोटी है, कपड़ा है, मकान है, लेकिन प्रेम नहीं है, शांति नहीं है, दीनता नम्रता नहीं है, वो ब्लेसिंग्स नहीं है। अगर धन है तो बीमारी भी है, धन है तो परिवार टूटे, पति पत्नी अच्छे हैं तो बच्चे की आशीष नहीं है, रोग है, दुख है, माँ बेटे का सुख नहीं है, बाप बेटे का सुख नहीं है, कोई आज्ञाकारिता नहीं है, बेटा बाप को मारता है, बाप पी कर आता है, बाप लड़ाई करता है, कर्जा है, गरीबी है, कभी किसी का देना है, कभी किसी का देना है, सच्ची शांति, सच्चा उजियाला नहीं है इंसान के पास। आज यीशु ने कहा है कि जीवन की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पास आएगा वो कभी अंधकार में ना चलेगा, बल्कि वो भी जीवन की ज्योति बन जाएगा, जीवन के जल का सोता बन जाएगा, जो उससे पिएगा वो कभी प्यासा ना रहेगा। यीशु के लोग जीवन की ज्योति हैं, बस ये प्रकाशन की बात है, जो जान गया इस बात को सिर्फ उसी के जीवन में काम होगा, जो सिर्फ सुनकर निकल गया उसको क्या जाना, वो क्या बन सकता है, वो कुछ नहीं। देखो वचन में लिखा है कि यीशु ने कहा था मेरे माता पिता मेरे भाई बहन वो हैं जो मेरे वचन को सुनते, पहली बात, मानते, दूसरी बात, और चलते हैं। पहला सुनना, फिर मानना, फिर चलना, ये तीन काम होना जरूरी है। जब तीन काम होंगे ना तब ये एक सच्चा मसीह कहलाता है इंसान। और इंसान आज ऐसा हो गया, एक जगह काम नहीं चल रहा तो दूसरी जगह काम बनाए, दूसरी जगह नहीं चल रहा तो तीसरी जगह काम बनाए, इस पूजा पाठ से काम नहीं हो रहा तो इस जगह जाएं, उस जगह काम नहीं हो रहा तो इस जगह जाएं। आपने सरदारों को भी कन जगह बैठाते हुए देखा होगा, आपने हिंदुओं को हर जगह जाते हुए देखा होगा, क्योंकि मैं भी गया हूं, मैं एक्सपीरियंस है मुझे इस बात का। आपने हर प्रकार के व्यक्तियों को देखा होगा, उनके लाइफस्टाइल को चेंज होते हुए, उनके रोजमर्रा के जीवन को चेंज होते हुए, उनके लाइफ में बदलाव आते हुए, काम करने को लेकर, बात करने को लेकर, उठने बैठने को लेकर, पूजा और धार्मिक परिस्थिति को लेकर आपने देखा होगा, कभी यहाँ पर कम्मा चल रही है, कभी वहां पर कम्मा चल रही है। मैंने भी परकम्मा की है, मैं भी जानता हूं, क्योंकि मुझे इस बात का अनुभव है, इसलिए आपको बताया जा रहा है कि इंसान आज कितना अंधविश्वास में है। मेरे हाथों में, मेरी उंगलियों में अंगूठियां रहती थी, मेरे कंधे में, बाजू में बंधा हुआ एक तावीज रहता था, मेरे गले में लगा हुआ तावीज रहता था, लेकिन किसी चीज से मुझे कोई फायदा नहीं होता था। पैसा बहुत लगाया, कर्जा ले लेकर पूजा पाठ किया, लेकिन जीवन में शांति नहीं आई। जो इंसान 40 साल, 50 साल, 60 साल, 30 30 साल, 20 20 साल से पूजा पाठ कर रहे हैं, एक बार उनसे पूछो कि उनके जीवन में कोई शांति है, शांति है क्या, वो प्रेम है क्या, वो आशीष है क्या, वो इज्जत मान सम्मान है, वो ना ही बोलेगा, वो ना ही बोलेगा। इस बात को सोचना, आप इस बात को सोचना, अगर आप चाहे तो किसी से भी पूछ सकते हो, वो ना ही बोलेगा। शांति है, आशीष है, बरकत है, सुख है, चैन है, विश्राम है, आराम है, चैन की रोटी खा सकते हो, अगर रोटी खा रहे तो बीमारी है। अगर बीमारी नहीं है ना तो बच्चों का सुख नहीं है, अगर बच्चों का सुख है तो पति पत्नी के बीच में प्यार नहीं है, अगर पति पत्नी के बीच में प्यार है ना तो बच्चे आज्ञा पालन नहीं करते हैं। पहले माता पिता बच्चों के लिए रोते हैं कि बच्चे नहीं है, बच्चे नहीं, अगर बच्चे हो जाते हैं तो फिर बोलते हैं अरे ये ऐसा पैदा हो गया, ऐसा पैदा हो गया, ऐसा मर जाए, वैसे मर जाए। इंसान परेशान है, जीता है तो परेशान है, कोई मरता है तो परेशान है, कोई आगे बढ़ता है तो परेशान है, कोई नीचे गिरता है तो परेशान है, कोई किसी को बढ़ते हुए देखते हुए खुश नहीं होता, कोई किसी को नीचे गिरते हुए देखते पसंद, कोई नीचे देखते हुए इंसान अपने मुंह पर जुबान पर उंगली नहीं लगा सकता। नीचे गिर गया तो उसको सुनाना जरूरी है, उसको दोष लगाना जरूरी है, उसकी कमी निकालना जरूरी है, क्योंकि अपने आप को अच्छा कौन दिखाएगा। फिर इंसान हर प्रकार के रास्तों को अपना लेता है, हर जगह चला जाता है, क्यों, क्योंकि संतुष्ट नहीं है। एक दरवाजे के पास संतुष्ट नहीं है, एक द्वार के पास संतुष्ट नहीं है, एक मंदिर में संतुष्ट नहीं है, दूसरी जगह संतुष्ट नहीं है, एक डॉक्टर के पास संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट तो वहीं होगा ना जहाँ पर उसको चंगाई मिलेगी, संतुष्ट तो वहीं होगा ना जहाँ की दवाई उसको लगेगी। इस बात को सोच कर देखो, इंसान संतुष्ट नहीं है लेकिन फिर भी उस जगह की दवाई खा रहा है, इंसान संतुष्ट नहीं है फिर भी पूजा पाठ कर रहा है, क्यों, क्योंकि लोग क्या कहेंगे। इंसान दूसरों को देखकर अपना जीवन, अपनी चाल चलन बिगाड़ देता है, अपना जीवन खराब कर लेता है, चाहे भले ही किसी तीसरे व्यक्ति ने सोचा ना हो हमारे बारे में, लेकिन इंसान खुद सोच बैठता है कि यार उसने बोल दिया तो क्या होगा, कहीं धर्म तो नहीं बदल जाएगा, कहीं मैंने यहां से वहां तो नहीं चला गया, कहीं वहां से यहां तो नहीं चला गया, कोई ऐसे तो नहीं कहेगा, कोई वैसे तो नहीं कहेगा। सो मुंह सो बातें, जिन देवी देवताओं की, जिन भगवानों की इंसान पूजा पाठ करता है, क्या वो इंसान को वो सच्ची शांति, क्या वो दीनता, नम्रता, प्रेम, आशीष और बरकत, वो ब्लेसिंग, वो धन नहीं दे सकती। आज के दिन किसकी पूजा की जाती है आप इस बात को जानते हो। अगर वो धन दे सकती है तो अपने लोगों को क्यों ब्लेस नहीं करती, क्यों वो कर्जों में है, किस प्रकार का धन देती है वो। वचन में लिखा है धन शैतान भी देता है लेकिन उसके अंदर दुख मिला हुआ देता है, जो कहीं ना कहीं कमी घटी बीमारी परेशानी में निकल जाता है। और वचन में यह भी लिखा है कि यहोवा जो धन देता है ना उसमें वो दुख नहीं मिलाता,
लिखा है, जिसको हम देखते हैं अगर हम उससे प्रेम नहीं करते तो जिसे हम नहीं देखते तो उससे कैसे प्रेम करेंगे। इंसान आज अपना घर बढ़ता है, अपने सारे प्रकार के त्यौहार मनाता है, चाहे भले ही शांति नहीं है लेकिन फिर भी त्यौहार मनाता है कि कोई ये ना कहने पाए कि भाई तेरे घर में बम पटाखे नहीं चले, तेरे घर में कोई रंग नहीं लगा, कोई त्यौहार नहीं मनाना, कोई लाइट नहीं लगाई। इंसान दूसरों को देखा देखा अपने रंग बदलता है, दूसरों को देखा देखा अपने चाल चलन अपने जीवन बदलता है, लेकिन कोई ये नहीं सोचता जिसके घर जिसके पास माँ बाप नहीं है, जिस माँ बाप के पास बच्चे नहीं है, या जो अनाथ है, विधवा है, लाचार है, परेशान है, जिसके सर पे छत नहीं है, या जिसके सर पे छत तो है लेकिन खाना नहीं है, कोई उसके घर में दिया जलाने की कोशिश नहीं करता है। क्यों? क्योंकि इंसान आज स्वार्थी हो चुका है, अपना घर भरने की हर किसी को लगी है, कोई किसी के लिए आंसू बहाने के लिए तैयार नहीं, कोई किसी के लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार नहीं है, कोई किसी के लिए मदद से वेटल करने वाली आत्माओं की तरह रूप में कोई मदद नहीं कर सकता किसी की। क्यों? क्योंकि आज किसी के पास समय नहीं है किसी दूसरे व्यक्ति के लिए, समय तो सिर्फ अपने लिए है, सिर्फ अपना पेट भर जाए, मुझे मिल जाए, मुझे खाना है, मुझे जीना है, मुझे रहना है, मुझे अच्छा उड़ना है, मुझे अच्छा पहनना है, मेरे पास सारी ज़रूरतें पूरी जाए, मेरे पास सारा धन बच भी जाए, सारी ज़रूरतें पूरी हो जाए और मेरी घटियाँ भी भरपूरी बदले, मुझे कभी किसी से उधार ना मांगना पड़े, मुझे कभी किसी को देना ना पड़े, मेरे पास बहुत रहे। इंसान सिर्फ यही चाहता है, इंसान का जीवन यही तो है, लेकिन अपनी आत्मा को नाश कर देता है इंसान, नहीं बचा पाता वो पैसा, वो धन दौलत, रोटी कपड़ा मकान इंसान को। ये बात आपने लॉकडाउन में भी देखी होगी, इंसानों ने, लोगों ने 50-50 लाख, 5-5 लाख, 10-10 लाख वेंटिलेटर तक के लिए दे दी, लेकिन इंसान को वेंटिलेटर खाली नहीं मिला, बॉडी पड़ा, तड़पते तड़पते मर गए लोग, लेकिन कोई मदद करने वाला नहीं मिला। सिकंदर नाम के व्यक्ति की तो आपने गवाही सुनी होगी, सिकंदर नाम का व्यक्ति जब वो मरा था उसके पास इतना पैसा था, उसने कहा था मैं, मेरे हाथ है ना मेरी कब्र से बाहर निकाल देना, मेरे जनाजे से बाहर निकाल देना, ताकि लोग देखे कि देखो मैं अपने साथ कुछ नहीं लेकर गया, मेरे हाथ खाली हैं। इंसान अपना घर भरने की हर प्रकार से कोशिश करता है लेकिन उसको पता नहीं कि उसका प्राण नरक में जा रहा है, उसका प्राण नरक से बचाने वाला सिर्फ यीशु है, क्योंकि यीशु पाप क्षमा करता है, परमेश्वर प्रेम है। उसने कहा जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा, और दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। वो कहता है दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, वो कहता है एक दूसरे से प्रेम करो, माफ करो और आगे बढ़ो, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो, अपने शत्रु से प्रेम करो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। क्या ये सब चीज, ये सब गुण हमारे अंदर है? हम दिया धूपबत्ती जोत अगरबत्तियां जला देते हैं लेकिन सच्ची शांति नहीं चाहते और ना ही सच्चा उजाला चाहते, सिर्फ हम शो ऑफ करते हैं, लेकिन मन मन में क्या है वो, जिसके मन में जो है वो तो वही व्यक्ति जानता है, लेकिन परमेश्वर मनों को तौलता है कि किसके मन में, किसके दिल में क्या दुख है। जिसके मन में दुख है लेकिन फिर भी वो यही सोचता है कि वो क्या कहेगा, मेरा पड़ोसी क्या कहेगा अगर मैं पूजा पाठ नहीं करूंगा, तो अगर मैं चर्च चला गया तो वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा। लेकिन इंसान अपने जीवन को सुधारने के लिए ना कोशिश नहीं करता, पहल नहीं करता। कोई कहता है मुझे देवी देवता छोड़ने पड़ जाएंगे, कोई कहता है मुझे पूजा पाठ छोड़ना पड़ जाएगा। अरे इंसान का जीवन बच रहा है, अपने परिवार, कोई अपना परिवार, घर का बहन बेटी भाई बंधु, कोई बीमारी से बच रहा है, मौत से बच रहा है, इंसान ये नहीं देखता। इंसान ये नहीं देखता मुझे सच्ची जिंदगी मिल गई है कि मैं दूसरों को भी जिंदगी देने वाला बन जाऊंगा, मैं दूसरों की आंसू को पोछने वाला बन जाऊंगा। अगर मैं खुद आंसू में तो दूसरों के आंसू को कैसे पोछूंगा। जो इंसान खुद घटी में बीमारी परेशानी में, दूसरों के लिए प्रार्थना कैसे करेगा, वो दूसरों को कैसे शांति देगा, वो दूसरों को कैसे चंगा करेगा। सिर्फ मसीही व्यक्ति इन बातों को जानता है, समझता है और करता भी है और चलता भी है। एक बार अपने आप से पूछना, क्या कभी आपने किसी ऐसे व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने की कोशिश करी, खुदा किसी के लिए आपने आंसू बहा बहा कर प्रार्थना की है कि खुदा जो बॉर्डर पर रहे उनके उनके परिवारों को सुख में सुख दे, शांति दे, चंगाई दे, छुटकारा दे, बरकत दे, जो अनाथ और विधवा उनकी मदद कर, उनको ब्लेसिंग्स दे, उनको आशीषित कर, और प्रभु जिनके पास रोटी कपड़ा मकान नहीं है उनको रोटी कपड़ा मकान, नौकरी बिजनेस दे, जिनके जो बेरोजगार है उनको अच्छा रोजगार दे। कभी किसी के लिए उपवास रखा है इन बातों के लिए, व्रत रखा है हमने कभी किसी के लिए कि आज मैं बुराई का उपवास रखूं, आज मैं बुराई नहीं करूं, आज मैं झूठ नहीं बोलूं, चुगली निंदा नहीं करूं, आज मैं उन दुखी व्यक्ति दुखी और लाचार और भिखारियों के लिए प्रार्थना करूंगा कि वो भीख ना मांगे, उनको अच्छा काम मिले। कभी हम ऐसा नहीं करते। क्यों? क्योंकि आज तक हम अंधकार में हैं, लेकिन धूपबत्ती अगरबत्ती सब जलाकर दिखाते हैं कि हम आज ज्योति में हैं। माथे पे टीका लगा लेते हैं लेकिन मन में इतनी सारी टेंशन होती है, और चेहरे पे इतनी अच्छी स्माइल दिखा देते हैं लेकिन हमारे मुंह से तो बोलने के लिए शब्द भी नहीं निकलते कि हमारे जुबान में, हमारे मन में कितने सारे दुख है कि किसको बताएं। अगर किसी को बताएंगे तो कहीं भांडा ना फूट जाए। बस यही सारी बातें हैं। इंसान कितने बड़े दुख में चिरा लेकिन सच नहीं जानता है, अंधकार में है आज। मैं आपके लिए भी कुछ श्लोक पढ़ूंगा, इन बातों को समझना, ध्यान से समझना, देखना समझना, इसको जानने की कोशिश करना, ये सत्य है। लिखा है यजुर्वेद 23:3 में, नतस्त प्रतिमा अस्ति, इसकी इजाजत नहीं कि तुम परमेश्वर की मूर्ति बनाओ। और लिखा है गरुड़ पुराण धर्म कांड प्रेरित खंड में 38:13 में लिखा है, ईश्वर ना तो लकड़ी में है, ना पत्थर में, और ना मिट्टी से बनी मूर्ति में। ये कोई मनुष्य नहीं कह रहा है, ये वेद और पुराण, ये गरुड़ पुराण धर्म कांड, ये सब कह रहे हैं, ये हिंदू धर्म के ये जो किताबें लिखी गई है ये सब बातें किताबें ही बताती हैं।
लिखा है श्रीमद् भगवद गीता महा श्रीमद् भगवद महापुराण में लिखा है 11वां अध्याय 84 से लेकर 10वीं आयत में श्लोक में मिट्टी पत्थर वगैरह की मूर्ति ईश्वर नहीं होती है। और श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है 9:11 में मेरे गुणों को ना जानने वाले मूर्ख लोग मुझे शरीर वाला समझकर मेरा अपमान करते हैं। और यजुर्वेद 40:1 में लिखा है कि ईश्वर हर जगह रहने वाला नूर है। और यीशु ने कहा है कि जीवन की ज्योति मैं हूँ। यीशु मसीह ने कहा है जीवन की ज्योति मैं हूँ। और यहाँ पर यजुर्वेद 40:1 में लिखा है कि ईश्वर हर जगह रहने वाला नूर है। जब एक ईश्वर नूर है, जब ईश्वर नूर है तो ईश्वर को हम रोटी और कपड़ा और सोना चांदी दिया दिखाते हैं। क्या सूरज को दिया दिखाने की जरूरत है? सोच कर देखो इस बात को। अगर ईश्वर खुद ही नूर है तो हम उसको क्या दिया धूपबत्ती दिखाएंगे? उसको क्या उसके आगे जोर जलाएंगे? जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें रोटी दी है, जिसने हमें जीवन दिया, जिसने हमें आज का दिन दिखाया है, क्या हम उसको दो वक्त की रोटी से पेट भर सकते हैं? क्या वो सोता है? वचन में लिखा है ना तो वो सोता है ना वो ऊँगता है। पर लेकिन कोई कहता है कि वो रात को सो जाते हैं, दरवाजा बंद कर देते हैं। मतलब इतना इतना अंधकार इंसान के जीवन में, वो उसको खुद नहीं पता है कि वो क्या कह रहा है। कभी ईश्वर को जानने की इंसान कोशिश नहीं करता है। और यजुर्वेद 23:32 में लिखा है ईश्वर की कोई मूर्ति नहीं है, उसका नाम ही महान है। और यजुर्वेद 32:3 में लिखा है वे लोग अंधेरे गहराई में डूब जाते हैं जो असम्मूति जैसे आग पानी वगैरह की पूजा करते हैं। और ये लिखा है कि वे लोग इसमें भी गहरे अंधकार में डूब जाते हैं जो सम्मूति बनी हुई चीजों की पूजा करते हैं, जैसे ठोस वस्तु और मूर्ति वगैरह। और गीता का 15:17 में लिखा है कोई अविनाशी परमेश्वर तो कोई और नहीं, वो महाविराट परम प्रधान महाविराट परमात्मा पुरुष ऋग्वेद प्रजापति। और लिखा है मुंडक उपनिषद में लिखा है वो परमात्मा है। जो आप लोग खुद सर्च कर सकते हैं, कबीर अमृतवाणी में लिखा है, कबीर दास जी ने कहा है कबीर अमृतवाणी में लिखा है कि पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, इससे तो चक्की वाली पीस का है संसार। और 10वें ग्रंथ में लिखा है कि शब्द है धरती, शब्द है आकाश, शब्द है शब्द हुआ प्रकाश, मैं हूँ परम पुरुखों को दासा, देखने आयो जगत तमाशा, जो कोई मेरे को रब करने, जो कोई मुझे रब करके माने वो श्रापित है। ये 10वें ग्रंथ में लिखा है गुरु ग्रंथ साहिब जी के। इस बात को समझने की कोशिश करना, शब्द है धरती, शब्द है आकाश, मतलब शब्द के द्वारा धरती, शब्द के द्वारा आकाश, किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया, परमेश्वर ने बनाया। लेकिन कोई आज परमेश्वर की उपासना नहीं करता है, आज सृष्टिकर्ता को कोई नहीं पूजता है, सृष्टि को पूजते हैं। और लिखा है रब तो वही है वो जो जिंदा आसमान उठा लिया गया। परमेश्वर ने खुद शब्द के द्वारा आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की है। इस बात को हमें समझना है, लेकिन सत्य कोई जानता नहीं है। यदि मेरी किसी बात का बुरा लगा तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। प्रभु आप सभी को आशीष दे, आपकी मन की आंखें ज्योतिर्मय करे। यदि आपको समझ में आया तो इस वीडियो को आगे भी शेयर करना। प्रभु आशीष दे आपको। जय मसीह।